हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और नाइन्थ क्लास के पेपर्स आप लोगों के बहुत अच्छे हो रहे होंगे। फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर के साथ हाजिर हूँ। इसमें आपको एमसीक्यूज़, शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स भी बताऊँगा। आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। पहले एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, इसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब हम लोग चलेंगे। शॉर्ट एमसीक्यूज़ हैं, 12 एमसीक्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इनको अपनी तैयारी में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। और जितने भी बुक के पीछे एमसीक्यूज़ हैं, इन एमसीक्यूज़ को भी आपने तैयार करना है। एमसीक्यूज़ देख लीजिए, 12 एमसीक्यूज़ हैं 12 मार्क्स के। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब हम लोग चलेंगे। इनका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको पाँच कोई से भी क्वेश्चंस करने हैं, पाँच पार्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन डिराइव क्वांटिटीज़, नेम एनी टू डिराइव क्वांटिटीज़। इसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय साइंटिफिक नोटेशन, गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल ज़रूर देनी है आपको, फिर ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद है, व्हाट इज़ वन ईयर कैलिपर, राइट डाउन इट्स लीस्ट काउंट। डिफाइन रैंडम मोशन, गिव एन एग्जांपल। डिफाइन वेलोसिटी, राइट इट्स इक्वेशन। सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं, जितनी भी रेलिवेंट डेफिनेशन हैं इनसे सबको आपने तैयार करना है। डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट डाउन इट्स इक्वेशन। बहुत ही आसान डेफिनेशन है ये सारी। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज़ अ बॉडी मूव। डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। इसके बाद सेकंड पार्ट देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर बुक में से ही आते हैं, रिव्यू एक्सरसाइजेज में से कम ही आते हैं, लेकिन डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके बाद है, डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन, वाई द हाइट ऑफ द व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। अ मैकेनिक टाइटन्स द नट ऑफ अ बाईसाइकिल, ये न्यूमेरिकल है, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको टॉर्क निकालना है। इसके बाद है, डिफाइन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, राइट इट्स वैल्यू। वैल्यू ज़रूर लिख लीजिएगा आप। राइट डाउन द फार्मूला टू फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट। इसके बाद है, डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सेटेलाइट, डिफरेंस बताना है दोनों में। डिफाइन एनर्जी, नेम टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स बतानी है आपने। डिफाइन पावर, राइट इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ज़रूर आप लोगों ने लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफाइन स्ट्रेस, राइट इट्स यूनिट, इसका भी यूनिट लिखना है। इसमें भी आपको पांच सवालात के जवाब देने हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शिप एंड सबमरीन, व्हाट इज़ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफाइन स्पेसिफिक हीट, राइट इट्स मैकेनिक मैथमेटिकल फार्मूला। डिफाइन इवेपोरेशन, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांसफर ऑफ हीट, नेम द वे बाय हीट बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड। डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको भी आपने ज़रूर तैयार करना है। नेम एनी टू एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स। लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमेशा से ही आता रहा, इक्वेशन ऑफ मोशंस में से आता है, पहले देख लीजिएगा आप। विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ प्रूव दैट 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वेयर ओवर माइनस वी आई का स्क्वेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में ही होता है। इसके बाद न्यूमेरिकल है एक, हाउ मच सेंट्रिपिटल फोर्स, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी तैयारी में ज़रूर शामिल करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई से भी दो पार्ट आपको करने हैं। डिस्क्राइब द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद मोटर बोट मूव्स एट स्टडी स्पीड, ये भी न्यूमेरिकल है, आपने ज़रूर इसको अपनी तैयारी में शामिल करना है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट पास्कल्स लॉ। इसके बाद भी लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पाँच नंबर के होते हैं। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग, ये भी एक न्यूमेरिकल है, तो आप सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा और शॉर्ट क्वेश्चंस के भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।